सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। वरुण लिमिटेड ने इशू किए हैं 10 लाख रुपीज़ के शेयर्स। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालना होगा, एक शेयर की कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो 100 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स कि 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, प्रीमियम पर 20 रुपये। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन पर देने हैं 10 रुपये, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर 40 शेयर्स प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम के, प्रीमियम 20 रुपीज़ का है। लास्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जिसको हम कहेंगे, 50 रुपीज़ की है, इसमें भी प्रीमियम इंक्लूड है, 10 रुपीज़। सो टोटल हो गया हमारा 100 प्लस 20, 120 रुपीज़ का एक शेयर माना जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अगर एप्लीकेशन पे कोई ओवर पेमेंट हो गई है तो उसको अप्लाई किया जाएगा जो भी अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू होगा, राइट। नेक्स्ट लिखा है कि ओवर पेमेंट एप्लीकेशन पर अगर जो ज़्यादा हो गई है, एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज टू बी रिटर्न, वो हमें रिटर्न करना होगा। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, दैट मीन्स कि जितना कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने कहा था पब्लिक को, बट लोगों ने 13,000 ज़्यादा एप्लीकेशन आई है, दैट मीन्स कि 10,000 प्लस 13,000 टोटल 23,000 के लिए कंपनी के पास इन्विटेशन आया है, लेकिन कंपनी को सिर्फ 10,000 शेयर्स चाहिए, राइट। सो एप्लीकेशंस फॉर 12,000 शेयर्स, जिन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको कंपनी ने सिर्फ 1,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। ये ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पर, इसी बेस पर ये सारी वर्किंग होगी हमारी। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर, और 2,000 शेयर्स को लेटर भेजा है रिग्रेट का, मतलब उन्हें रिटर्न कर दिए गए हैं उनका अमाउंट, राइट। रिग्रेट मतलब कि उन्हें अफसोस है कि वो आपको अलॉट नहीं कर सकते कंपनी शेयर्स, और वो लेटर भेज रही है और अमाउंट रिटर्न करेगी। सारा अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे रिसीव हो गया है, सो वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कि कंपनी ने इशू किए हैं 10 लाख रुपीज़ के शेयर, दिस इज रुपीज़, राइट। तो और एक शेयर की कॉस्ट है 100 रुपीज़। तो अगर उसके बेसिस पर हम देखें, तो अगर 100 से इसको डिवाइड करेंगे, तो कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, राइट। 10,000 शेयर्स 10 लाख रुपए के हो जाएंगे अगर एक शेयर हमारा 100 रुपए का है, 100 रुपीज़ एट द रेट ऑफ ईच, राइट। ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी को जो शेयर्स रिसीव्ड हुए हैं, दैट इज 13,000 एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाई हुए हैं, अप्लाई किया है लोगों ने 13,000 ज़्यादा। तो 13,000 अगर ज़्यादा है तो टोटल अप्लाई कितना हुआ है, 23,000 टोटल अप्लाइड शेयर्स लोगों ने जिसके लिए एप्लीकेशन भेजी है, दैट इज़ टोटल अप्लाइड शेयर्स इज 23,000, राइट। कहने का मतलब यह है कि 23,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है कंपनी के पास, जो कि 13,000 ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी को सिर्फ रिक्वायरमेंट थी 10,000 शेयर्स की। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट कहा है कि 100 रुपीज़ पे 20 रुपीज़ का प्रीमियम है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने एप्लीकेशन पे 10 रुपीज़ मांगे हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे 40 प्लस 10, 10 रुपीज़ प्रीमियम के और 40 रुपीज़ सेकेंड इंस्टॉलमेंट के, दैट इज़ अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कहा है कि 50 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम, 10 प्रीमियम टोटल 20 प्रीमियम, और ये 10 प्लस 40, 50 प्लस 50, 100, राइट। सो ये है आपका एप्लीकेशन, दिस इज़ अलॉटमेंट एंड दिस इज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम जर्नल एंट्रीज पे। एक चीज़ और दी हुई है क्वेश्चन में, कहा है कि 2,000 एप्लीकेंट्स को, एप्लीकेंट्स मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी थी, उनको रिग्रेट का लेटर भेजा गया। रिग्रेट मतलब कि उन्हें अफसोस है कि कंपनी आपको शेयर्स नहीं दे सकती, सो उनके सारे अमाउंट को रिटर्न कर दिया गया, राइट। आगे क्वेश्चन में जो कहा है वो समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पास द फर्स्ट एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री, कंपनी के पास पैसे आएंगे तो बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे आएंगे तो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अब कंपनी के पास स्टार्टिंग में 23,000 लोगों ने अप्लाई किया, 23,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, तो यहाँ पर अमाउंट जो आपका आएगा, दैट इज़ 23,000 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 10 रुपीज़ की,
सो दिस इज 2,30,000 रुपीज कंपनी के पास आए हैं, राइट। बट कंपनी को तो सिर्फ 10,000 शेयर्स का अमाउंट चाहिए था, राइट। तो अब यहाँ पर हम पहले सेकेंड एंट्री पास करते हैं, जितने पैसे आए लिख लिया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनको रिटर्न करेंगे और या फिर उसको एडजस्ट करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। तो जब सेकेंड एंट्री पास होगी तो जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा, सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। पहले हम अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, जो हमारे चैप्टर का नाम है कि शेयर से रिलेटेड जो भी अमाउंट कंपनी के पास आएगा दैट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड, जो पैसा कंपनी ने रिटर्न कर दिया लोगों को कि हम आपको शेयर इशू नहीं कर सकते बिकॉज हम सिर्फ 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं और हमारे पास एप्लीकेशन 23,000 के लिए आई है, तो जो पैसा रिटर्न होगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है और जब पैसा जाएगा कंपनी का तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और थर्ड चीज़ जो आएगी कि ज़्यादा पैसा आ गया है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, राइट। तो यहाँ लिखेंगे हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट कैसे डाल रहे हैं, सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन में थे 2,30,000 ही कंपनी के पास आए थे, जिसमें से कैपिटल में कंपनी को सिर्फ चाहिए थे, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन के लिए बोला था। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 रुपीज़, राइट। तो यहाँ हो गया आपका 1,00,000। अब बैंक में जो अमाउंट कंपनी ने रिटर्न किया है लोगों को, तो एक तो रिटर्न ये किया है, राइट। दूसरा रिटर्न कहाँ है, सी क्वेश्चन में देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स, मतलब जिन्होंने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी ने सिर्फ 1,000 शेयर अलॉट किए हैं, राइट। पहले तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जो लाइन मैंने आपको अभी दिखाई, कहा है कि 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, मतलब लोगों ने अप्लाई किया था, राइट। लेकिन कंपनी ने शेयर सिर्फ 1,000 शेयर्स को अलॉट किया है, अलॉट मतलब कंपनी ने लोगों को कहा है कि हम आपको शेयर्स देंगे, बट क्योंकि कंपनी के पास 23,000 बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था, कंपनी को सिर्फ 10,000 शेयर्स की रिक्वायरमेंट थी, 10,00,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी, और अगर 23,000 के लिए एप्लीकेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, तो या तो वो रिटर्न करेगी या एडजस्ट करेगी। अब इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि 12,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको सिर्फ 1,000 शेयर अलॉट किए, तो जिन्होंने अप्लाई किया था, जो मान लीजिए कुछ पर्सन हैं उन्होंने अप्लाई किया, अब लेकिन उन्होंने कंपनी ने सिर्फ 1,000 शेयर्स के लिए, तो पैसे तो लोगों ने पहले दे दिए होंगे ना, तो कंपनी के पास पैसे आ गए होंगे, तो इससे रिलेटेड ना थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, इसको समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी, दूसरी शीट पे करके दिखाती हूँ, सी यही हम वर्किंग करेंगे। 12,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उनको सिर्फ 1,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं, राइट। ये अप्लाई था और कंपनी ने सिर्फ 1,000 रुपये दिए, तो पैसे तो 12,000 शेयर्स के आए हैं, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे और कंपनी कैसे रिटर्न करेगी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर्स। 12,000 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास पैसे जो आए थे दैट इज 12,000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 10 रुपीज़ की, तो लोगों ने पैसे दिए थे 1,20,000, राइट। अब एप्लीकेशन मनी उनको ड्यू कितनी थी अलॉटमेंट पे, कंपनी ने सिर्फ 1,000 रुपये अलॉट किए, तो हम यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर मतलब कंपनी ने सिर्फ 1,000 रुपये, 1,000 शेयर, ये 1,000 शेयर है, 1,000 शेयर लोगों को अलॉट किए, तो उसके अकॉर्डिंग 1,000 शेयर के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 10 रुपीज़ देने थे, तो कंपनी को सिर्फ चाहिए थे 10,000 रुपये, राइट। लेकिन लोगों ने कितने पैसे दिए, 1,20,000। सो यहाँ पर कितना एक्सेस अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000
शेयर्स इज 1,20,000 माइनस 10,000 इज 1,10,000। दैट मीन्स कि कंपनी के पास 1,10,000 रुपए ज़्यादा आ गए हैं क्योंकि कंपनी ने कम शेयर्स अलॉट किए हैं, राइट। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,000 शेयर्स के अब इतने पैसे ज़्यादा आए हैं तो उसमें से कुछ रिटर्न करेंगे और कुछ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने की बात हो रही है कि हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे अब इसमें से अलॉटमेंट में पैसे कितने देने हैं, अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट ऑन 1,000 शेयर्स। इतने पैसे कंपनी के पास ज़्यादा आ गए हैं, राइट। तो जो ज़्यादा आ गए हैं उसको एडजस्ट करेंगे, तो 1,000 शेयर्स पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितने रुपये, 40 + 10 50 रुपये के हिसाब से कंपनी को चाहिए थे 50,000 रुपये, राइट। तो 50,000 जो रुपए चाहिए थे वो 1,000 शेयर्स पर वो कंपनी ने एडजस्ट कर लिया, कहा कि हम यार पास जो ये 1,10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है उसमें से हम 50,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपका रख लेते हैं, अभी भी कंपनी के पास ज़्यादा पैसे हैं। तो अब इसको 50,000 को कम करके 60,000 अमाउंट आ गया। अब ये जो एक्सेस अमाउंट आया है 60,000 रुपये, इसको कंपनी रिटर्न कर देगी शेयर होल्डर्स को, राइट। तो यहाँ लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। अब ये अमाउंट रिफंड में जाएगा, तो 60,000 ये रिफंड के हो गए और 2,000 एप्लीकेंट को रिग्रेट का दिया था तो इस पर भी रिग्रेट था, तो 2,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग 10 रुपये पे कितने होने थे, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 20,000, और यहाँ पर भी कंपनी के पास 60,000 रुपये ज़्यादा आए हैं तो टोटल हो गए 60,000। तो टोटल 80,000 जो अमाउंट है दैट इज़ टू बी रिफंडेड, रिफंड किया जाएगा लोगों को, वापस किया जाएगा। तो जो रिफंड किया जाता है वो बैंक अकाउंट में आता है, सो हम यहाँ लिखेंगे 80,000। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो। एक बार फिर से समझ लेते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। देखिए क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है कि 12,000 लोगों ने एप्लीकेशन भेजी थी लेकिन कंपनी ने कहा कि हमारे पास इतने शेयर्स नहीं हैं, हम सिर्फ 1,000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। अलॉट मतलब लोगों को दे देना, राइट। एप्लीकेशन अब यहाँ पर जो पैसे तो ज़्यादा आए थे 12,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन सिर्फ 1,000 शेयर दिए, तो 12,000 के बेसिस पर कंपनी के पास 1,20,000 रुपये आए थे लेकिन कंपनी ने कहा कि हमें सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए, राइट। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो था 1,10,000 रुपये, ये एक्स्ट्रा अमाउंट था, तो कंपनी ने कहा चलो हम इसको सेकेंड अलॉट जो इंस्टॉलमेंट होगी उस पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर 50,000 रुपये लोगों को देने थे जिन्होंने 1,000 शेयर लिए थे, तो कंपनी ने इसमें से एडजस्ट कर लिया, अभी भी कंपनी के पास 60,000 रुपये ज़्यादा है तो कंपनी अब ये अमाउंट जो है वो रिटर्न कर देगी लोगों को, राइट। सो ये आपका बैंक अकाउंट आ गया। अब बाकी या तो आप इसमें से माइनस करके लिख लीजिए, तो अलॉटमेंट पे कितने, देखिए यहाँ 2,30,000 है, इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, तो 2,30,000 इज इक्वल टू 1,00,000 प्लस 80,000। अब यहाँ पर क्या आएगा, दोनों साइड 2,30,000 आना चाहिए, सो 2,30,000 में से 1,80,000 माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर कितना, 50,000। और अगर आपको ऐसे नहीं समझना तो अभी जो यहाँ पर हमने वर्किंग दी की थी कि अलॉटमेंट पे कंपनी ने कितना एडजस्ट किया है, 50,000 रुपये, इसमें से एडजस्ट कर लिया तो ये 50,000 रुपये यहाँ पर दिखा दिए। दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। आई होप आप लोग को सेकेंड एंट्री क्लियर हुई हो। थर्ड एंट्री पे आते हैं, यही मेन एंट्री थी, अगर ये समझ आ गया तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट पे हमें पैसे मिल गए हैं बट एंट्री तो हम करेंगे ना, कितने पैसे मिलने थे, सिर्फ 1,000 शेयर की बात हुई है और कंपनी के तो 10,000 शेयर है। तो पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ड्यू में तो प्रीमियम भी दिखाते हैं, जब रिसीव करेंगे तब हम नहीं दिखाएंगे प्रीमियम को अलग से, राइट। तो शेयर अलॉटमेंट पे 10,000 टोटल शेयर कंपनी ने 10,000 इशू किए थे और उसके अकॉर्डिंग 40 + 10 = 50, कंपनी को कितना अमाउंट चाहिए था, 5,00,000। तो शेयर कैपिटल में कंपनी के पास कितना आया, 10,000 पहले 40 और प्रीमियम का अलग से दिखाएंगे, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ 1,00,000 और यहाँ 4,00,000।
तो ये तो ड्यू की एंट्री है कि कंपनी को 5 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन सेकेंड इंस्टॉल जो एंट्री की है हमने वहाँ पर 50,000 एडजस्ट कर दिए हैं। तो 5 लाख में से पहले ही हम 50,000 रुपये दे चुके हैं, तो जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो 50,000 माइनस करके दिखाएंगे। देखिए इसे कैसे करेंगे। सो ड्यू की एंट्री हमने कर दी अलॉटमेंट के, अब हम रिसीव की करते हैं। रिसीव में पैसा आता है तो जब आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आ रहा है तो लिखेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट को क्या कहा जाता है, अलॉटमेंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अब ड्यू में हमें कितने पैसे चाहिए थे, टोटल 5 लाख रुपीज़, तो मैं आप ब्रैकेट में लिख देते हैं 5 लाख। अब 50,000 हमने पहले ही एडजस्ट कर लिए, 50,000 को यहाँ पे माइनस करके रिसीव में दिखाएंगे 4,50,000 रुपीज़। देखिए एडजस्ट करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका ये घर है, ये आपका हाउस है, ठीक है, ये आपने किसी को रेंट पे दिया है, लाइक जैसे आजकल तो शॉप्स रेंट पर ही दी जाती हैं, तो रेंट पे जो दिया जाता है, मान लीजिए इसका रेंट है 25,000, आप इसके ओनर हो, तो जो आपका रेंट जिसने लिया है वो किसी मंथ आपको 50,000 ले लेता है और कहता है कि आप नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर लेना, राइट। ऐसे ही जब कंपनी के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं ना एप्लीकेशन पर, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा आ गए, तो कहा जाता है कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आप एडजस्ट कर लेना। ऐसे ही यहाँ पर अलॉटमेंट पे इसलिए 50,000 एडजस्ट कर लिए गए, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, अब आ जाते हैं फर्स्ट कॉल पे। तो थर्ड एंट्री हो जाएगी शेयर, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जब ड्यू होता है तो फाइनल कॉल डेबिट होगा, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, सो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, और फाइनल कॉल पे देने थे 50 + 10, टोटल 60 रुपीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख रुपीज़। प्रीमियम को हम ड्यू की एंट्री में अलग से दिखाते हैं, तो वी विल राइट इट ओवर हियर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स है कंपनी के 10,000 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम का अमाउंट है 10 रुपीज़, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50, राइट। सो यहाँ हो जाएगा आपका 5 लाख एंड 1 लाख, टोटल 6 लाख हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये फर्स्ट ड्यू की एंट्री, देन रिसीव की एंट्री। रिसीव में पैसा आएगा सो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो वी विल सिर्फ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो जितना पैसा था सारा पैसा रिसीव हो गया, लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड, सो हमने सारा अमाउंट रिसीव कर लिया, राइट। नरेशन नहीं लिखी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। नरेशन में नहीं लिख रही, क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं एक्चुअली, वीडियो में टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है, राइट, इसलिए नरेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू नरेशन देन यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ आया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जर्नल एंट्रीज पास की, देन हमने वर्किंग नोट किया जहाँ पर हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ 60,000 आया, और 2,000 के लिए रिग्रेट का इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन में। तो दोनों को जब हमने टोटल किया तो टोटल 80,000 अमाउंट रिफंड हो रहा था, सो वी विल राइट इट ओवर हियर 80,000। एंड देन लास्टली वी आर डूइंग द फाइनल कॉल रिसीविंग की एंट्री की है हमने, दिस इज। सो आई होप आप लोग को एक क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। लास्टली क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बैलेंस शीट बनाने को कहा गया है, तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में वर्किंग नोट में नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए ऑथोराइज कैपिटल कितनी है हमारी। स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि 10 लाख रुपीज़ तक के शेयर इशू करने ही है कंपनी ने, राइट। सो ऑथोराइज कैपिटल भी यही माना जाएगा 10 लाख रुपीज़। देन है इशू कैपिटल, कंपनी ने इशू किए हैं 10 लाख रुपीज़ के शेयर्स, ये भी हमें दिया हुआ है, सो वी विल राइट इट ओवर हियर 10 लाख रुपीज़। और एक शेयर अगर हमारा 100 रुपीज़ का है तो कंपनी 100 को रुपीज़ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 शेयर। इसका मतलब है कि कंपनी ने 10,000 शेयर के एक इशू किए हैं, और एक शेयर हमारा 100 रुपीज़ का है तो कंपनी के पास टोटल 10 लाख रुपीज़ आएंगे, राइट। ये चीज़ हमें दी नहीं हुई है, ये हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालनी होगी। इशूड के बाद आता है सब्सक्राइब्ड, लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है शेयर्स को, तो ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, राइट। कंपनी के पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं तो सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, कंपनी ने कितना पैसा मांगा है, राइट, और लोगों ने कितना पैसा दिया है, तो सब कुछ इसी में आएगा, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो जितना अमाउंट था कंपनी को सारा रिसीव हुआ है 10,000 शेयर्स पर 100 रुपीज़ ईच, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 10 लाख रुपीज़, राइट।
लास्ट में प्रीमियम अलग से तो हमें दिखाना होगा रिजर्व एंड सरप्लस में, सो रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें आता है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम है हमारा 20 रुपये का, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो यहाँ पर हो गया आपका 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, राइट। तो ये तो होगी लाइबिलिटी साइड, तो अब असेट साइड में हम इसको दिखाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, क्योंकि हमें लाइबिलिटीज और असेट्स को मैच करना होता है। सो कैश में दिखाएंगे हम टोटल हो जाएगा 10 लाख शेयर्स के और 2 लाख प्रीमियम के, सो 10 प्लस 2 12 लाख बैलेंस शीट का टोटल आएगा लाइबिलिटीज और असेट साइड का। अब इसे यहाँ कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, फर्स्ट थिंग विच विल बी कम ऑन द लाइबिलिटी साइड, सो शेयर होल्डर्स फंड, और इसके अंदर हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट आया है, नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, और एक शेयर की कॉस्ट है हमारी 100 रुपीज़ ईच, सो टोटल हो गया 10 लाख रुपीज़। और रिजर्व एंड सरप्लस में हम दिखाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं भी लिखे, रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिया, इसी में आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स और प्रीमियम है 20 रुपीज़ ईच, सो 2 लाख, राइट। दूसरी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटी, वो सिर्फ हमें यहाँ पर हेडिंग डालने के लिए, जैसे फर्स्ट ये आएगा, सेकेंड, थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटी, और फोर्थ चीज़ होती है यहाँ पर करंट लाइबिलिटी, राइट। तो ये तो हमें इसका अमाउंट तो हमें शो नहीं करना, तो टोटल हो जाएगा लाइबिलिटी साइड का यहाँ पर 10 प्लस 2 12 लाख, राइट। असेट साइड में दो चीज़ें होती है हमारी, फर्स्ट होता है हमारा करंट असेट एंड सेकंड इज नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट। तो बैलेंस शीट को मैच करना है, लाइबिलिटीज असेट को सेम करना है, सो यहाँ पर 12 लाख दिखेंगे और ये 12 लाख बैलेंसिंग फिगर की तरह यहाँ पर दिखाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द 18th क्वेश्चन, 12 लाख रुपीज। सो आई होप आप लोगों को बैलेंस शीट भी क्लियर हुई हो, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन, थैंक यू।